नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में, जहां पर हम बात करते हैं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन भर्तियों की। आज इस वीडियो में आपको रेल कौशल विकास योजना के बारे में आपको प्रत्येक जानकारी यहाँ पर अपडेट मिलने वाली है। क्या है रेल कौशल विकास योजना, इससे आवेदन करने से क्या फायदा होगा, इसकी संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। और अधिक अपडेट पाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है, तो वहां से आपको प्रत्येक अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए चलते हैं, क्या है युवा कौशल कमाई, पहले इसके लिए थोड़ा सा हम इसमें पढ़ लेते हैं। रेल कौशल विकास योजना, स्किल इंडिया, कौशल भारत, कुशल भारत, आवेदन करें, हर सवाल का जवाब। रेल कौशल विकास योजना क्या है, रेल कौशल विकास योजना में रेलवे में नौकरी मिलेगी, हर सवाल का जवाब मिलेगा। यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, 6/5/2023 को नोटिफिकेशन जारी होने की योजना का है, ठीक है। तो यहाँ पर रेल कौशल विकास योजना से मिलेगी हर सवाल का जवाब, यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि 6/5/2023, आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 7/5/2023, मतलब आज से आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं, आवेदन करने की अंतिम तिथि 20/5/2023। तो चलिए यहाँ पर हम इसकी वेबसाइट पर चलते हैं, तो हमने यहाँ पर इसकी वेबसाइट ओपन कर ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पश्चिम मध्य रेलवे ग्राहकों की सेवा के लिए मुस्कान के साथ, यहाँ पर रेल कौशल विकास योजना आपको दिख रहा होगा। चलिए हम इसमें कुछ मार्क कर देते हैं ताकि आपको समझने में भी आसानी होगी। यहाँ पर आपको रेल कौशल विकास योजना दिख रही होगी, ये देखिए यहाँ पर आपको रेल कौशल विकास योजना दिख रही होगी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, रेल कौशल विकास योजना। बस 2023 के लिए विभिन्न ट्रेडों में कौशल विकास परीक्षण कार्यक्रम के हेतु आवेदन सूचना जारी हो चुकी है। पश्चिम मध्य रेलवे परीक्षण केंद्रों पर अल्पकालीन 3 सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक बैच में 30 उम्मीदवार पुरुष महिलाओं का प्रशिक्षण निःशुल्क रहेगा। आवेदकों की सूची या उससे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। पात्रता क्या रहेगी, आपको 10वीं पास होना चाहिए, आपकी उम्र 18 से 35 वर्ष यहाँ पर मिनिमम होनी चाहिए। उम्मीदवार को केवल एक बार प्रशिक्षण केंद्र के लिए और एक ट्रेड के लिए आवेदन करना होगा। 4 प्रशिक्षण केंद्रों में परीक्षण दिया जाएगा। विवरण इस प्रकार है, बेसिक ट्रेनिंग सेंटर बीसी, कैरियर रिपेयरिंग वर्कशॉप लोअर परियार मुंबई। अधिसूचना यहाँ पर आप चारों प्रशिक्षण की डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर चारों प्रशिक्षण आपको जैसे कि बताया गया है, यहाँ पर पहला प्रशिक्षण आपको देखने को मिल जाएगा, इसकी अधिसूचना आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा प्रशिक्षण ये है और तीसरा आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा और चौथा आपको ये है। पहले प्रशिक्षण में आपको पेयल बल्को साहब के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, दाहोड़ बर्ग साहब के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जेआईटी बड़ोदरा के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, इंजीनियर बर्ग साहब मतलब इसमें आपको जिसमें प्रशिक्षण चाहिए उसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपको 20/5/2023 तक शाम 5 बजे तक आवेदित स्वीकार किए जाएंगे। 20 तारीख 5वां महीना तक आपके आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। अगर इसमें आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें जरूर आवेदन करिए। अगर आपको आवेदन करना नहीं आ रहा है तो हम बिल्कुल यहाँ पर फुल वीडियो के साथ आपको बताएंगे कि इसमें आवेदन किस प्रकार से करना है। अगर आपको आवेदन करना है ऑनलाइन तो यहाँ पर कमेंट करिए, आपको कल यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा कि इसमें आवेदन कैसे करना है, रेल कौशल विकास योजना में किस प्रशिक्षण में आपको आवेदन करना है, सभी प्रशिक्षण के ऑनलाइन आवेदन आपको करके बताएंगे। बस आपको कमेंट करना है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट आती है तो बिल्कुल आज ही आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों मिलेंगे ऐसी नई अपडेट, नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। रेल कौशल विकास योजना में अगर आपको आवेदन करना है तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में।